नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज चैनल। जी हां, आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर हरियाणा से मिली है कि दुष्यंत राजे की पार्टी जेएचपी में बड़ी टूट पड़ चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि द पब्लिक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि दुष्यंत राजे की पार्टी में बड़ी टूट पड़ चुकी है। 7 विधायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन दिया। जी हां, पार्टी के खिलाफ जाकर किसान आंदोलन का समर्थन दिया। और बड़ा सवाल उठता है कि खट्टर सरकार गिर चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार गिरने के कगार पे है, या ऐसे मान लीजिए कि खट्टर सरकार गिर चुकी है। कैसे न कैसे करके बीजेपी सरकार अपने 45 विधायकों को जोड़ने में लगी हुई है। जी हां, 7 जेजेपी के विधायक बागी हो चुके हैं। निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी काफी विधायक ले चुके हैं। सांगवान भी बीजेपी पार्टी से समर्थन ले चुके हैं। और साथ में आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चाचा जी रणजीत चौटाला भी समर्थन वापस लेने पर विचार बना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत बंद से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 7 विधायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम है। बताया जा रहा है कि जेजेपी विधायक के समर्थन से सरकार पर खतरा मंडरा चुका है। जी हां, जो है कभी भी कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत या राज्यपाल बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए कभी भी पेश कर सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को हरियाणा के अंदर अपना पूर्ण विधायक जो है समर्थन दिखाना होगा। अगर बीजेपी की काउंटिंग बिगड़ती है, अगर बीजेपी की काउंटिंग 45 से नीचे जाती है, अगर बीजेपी की काउंटिंग बिगड़ती है तो हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार गिर जाएगी। जी हां, जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। नारनौंद हल्के से विधायक गौतम ने कहा कि किसान की मांग उचित है। जो जेजेपी के विधायक है गौतम, केंद्र सरकार को इस पर तुरंत हल निकालना चाहिए। गौतम से पहले शाहबाद के जेजेपी विधायक रामकरण काला, बरवाड़ा से जोगीराम सिहा सही 6 विधायक किसान आंदोलन का समर्थन दे चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जी हां, जेजेपी की ओर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी भारत बंद पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ कल किसान आंदोलन का समर्थन न करने के कारण बहिष्कार की बात भी खाप पंचायत ने की है कि दुष्यंत चौटाला जी का बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा के समीकरण की बात की जाए तो 90 सीटों में बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए करीब 46 सीट चाहिए। बीजेपी को 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। हालांकि किसान आंदोलन के चलते कई निर्दलीय विधायक समर्थन वापसी का ऐलान कर चुके हैं। यानी बीजेपी के पास 40 ही सीट है। टोटल अगर जेजेपी पार्टी मिलाकर बात की जाए तो बीजेपी के पास 50 ही सीटें हैं। और बीजेपी के पास अगर 7 जेजेपी के विधायक फरार हो जाते हैं तो 43 सीटें बनती है, या पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा, या सरकार बनाने का दावा बीजेपी फेल हो सकती है। जो है विधायकों, जेजेपी विधायकों के इस फैसले से सरकार मुश्किल में गिर चुकी है। आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी पार्टी या खट्टर सरकार को कभी भी राज्यपाल बुला सकते हैं, कभी भी पूर्ण बहुमत के लिए कांग्रेस दबाव बना सकती है बीजेपी पार्टी पे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा और एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप बीजेपी सरकार से खुश है? अगर बीजेपी सरकार से अगर आप खुश नहीं है तो आप किस सरकार से खुश है, या किस सरकार को अपने राज्य में चाहते हैं? कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।